आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में उच्च रक्तचाप जो है बहुत ही एक उच्च श्रेणी की व्याधियों के अंतर्गत जो है समाज में फैल गया है। आज की डेट में भारत में 28 करोड़ से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन से या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। उच्च रक्तचाप जो है ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर एक या दो व्यक्ति जो है इस बीमारी से पीड़ित ना हो, और जिसका मुख्य कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, हमारे खाने का तरीका, हमारे पीने का तरीका, हमारे कार्य करने का तरीका, हमारे स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें एक कॉम्पैक्ट रूप में आकर के और उच्च रक्तचाप को या हाइपरटेंशन को डेवलप कर रही हैं। अब अगर टेक्निकल पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के जो कारण है वो तीन तरह के कारण हैं। एक तो होता है आपका वैस्कुलर डैमेज की वजह से, यानी जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें अगर किसी कारण से डैमेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, आर्टरीज हमारी नैरो होने लगे, आर्टरीज थिकनिंग होने लगे, तो उस वजह से जो है हाइपरटेंशन, ब्लड का फ्लो नॉर्मल नहीं होने की वजह से आर्टरीज का दबाव अगर बढ़ता है तो वो हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। दूसरा हमारा कारण है पानी और नमक का असंतुलन, यानी सॉल्ट और वाटर रिटेंशन जिसको आप कह सकते हैं। अगर एक किडनीज के थ्रू सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन अगर हो रहा है तो वो भी एक कॉज है हाइपरटेंशन का। और आज के समय में सबसे बड़ा कारण जो हमारे यहाँ देखा जा रहा है उच्च रक्तचाप होने का, वो है तनाव यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस होने से क्या होता है कि हमारी सारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति जो है गड़बड़ हो जाती है, और तनाव बढ़ने से हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो हैम्पर हो रही हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा एक कारण है आज के डेट में हाइपरटेंशन डेवलप होने का। तो अगर हमको हाइपरटेंशन डेवलप हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे हाइपरटेंशन से निजात पा सकते हैं, कैसे जीवन को अपना ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें योग, प्राणायाम, आसन, इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए, पौष्टिक वस्तुओं का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करें, तनाव कम से कम लें, भरपूर नींद लें। इन सारे कार्यों को करने से हम अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा या इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है हमारे विशेष परामर्श के लिए हमारे सेंटर पर आ सकते हैं और हमसे विशेष परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे अपने जीवन में उचित बदलाव ला सकते हैं ये हम जो है आपको निश्चित रूप से यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।